आप लोग सोच रहे होंगे मैं बेड पे क्या कर रहा हूँ। आई एम एंजॉयिंग, कैरम बोर्ड खेल रहा हूँ। कितनी बार बता चुका हूँ, सुबह से मेरे बारिश में पैर फिसल गया था, स्लिप डिस्क हो गया मुझे। ये देखो सिद्धू जी, शादी के 5 साल बाद लोगों के घर में बच्चा होता है, मेरे यहाँ स्लिप डिस्क हो गया है। बहू तो पेट से हुई नहीं, बिट्टू पीठ से हो गया। बताएगा भी ये स्लिप डिस्क होता क्या है? पता नहीं, कभी देख नहीं पाया, पीठ पे हुआ ना तो दिखता नहीं है। तुझे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा मेरा बच्चा? ज्यादा नहीं, पर थोड़ा मीठा मीठा होता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे दे दे, चाय में डाल देती हूँ। पथरी भी हुई, निकाल के फर्श पे डाल ले। इधर तो की बातें छोड़, मेरे लिए दवाई लेके आएगी? नहीं आई हूँ, हर दर्द का इलाज है इसमें। दारू लेके आई मेरे लिए? तेरी तो लाई हूँ मैं, डॉक्टर ने कहा दवा दारू करनी पड़ेगी, दवाई महंगी पड़ी थी इसलिए तेरी दारू लाई। ले घटक ले। तेरे तो शर्म नहीं आती? जा इसको वापस कर, मेरे लिए दवाई लेके आ ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। 25 साल से ठीक था, क्या कर लिया तूने? जो अब ठीक होने के बाद ये पता लगाएगा कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। करता है बिट्टू, मैं तो कहती हूँ दवा दारू छोड़, स्पेशल ट्रीटमेंट लाई हूँ तेरे लिए। क्या चमत्कारी फायदे माँ, 2 मिनट में दर्द गायब, अभी बुलाती हूँ। फायदे माँ, ये बताइए क्या लेगी, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, मैं चाय या कॉफी बिल्कुल नहीं लूंगी, मैं बस एक सेल्फी लूंगी। Oh, so tell me what happened to you, dude? इनको स्लिप डिस्क हुआ है। तो स्लिप डिस्क के लिए आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम नहीं आए, आप आई हैं। और अगर सही नहीं हुआ तो आप जल्दी जाएंगे भी। एक्सक्यूज मी ओल्ड लेडी, वो आपके पास चपटे पिन वाला चार्जर होगा? मुझे अपना फोन चार्ज करवाना है। लाइए मुझे दीजिए, मैं चार्ज करके लाती हूँ, तब तक आप मेरे बच्चे का इलाज कीजिएगा। मैं आई। खैर, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप शराब पीते? नहीं। जुआ खेलते? नहीं। लड़कियां छेड़ते? नहीं बाबा। तो यहीं पड़े रहिए, ठीक होकर क्या करेंगे? फायदे में एक बात बताइए, आपसे आज तक किसी को फायदा हुआ है? हुआ है। किसको? मुझे हुआ है। कई बंगले और प्रॉपर्टीज बना लिए मैंने, लेकिन अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो आपका फायदा जरूर कराऊंगी। आप अपना हाथ दिखाइए। क्या हुआ, नंगा हाथ पहली बार देखा है? आपके सातवें घर में राहु है, ये बहुत ही खतरनाक असुर है, इसे निकालना होगा। असुर असुर का पता नहीं, मेरे ऊपर वाले कमरे मेरा ससुर है, उसको निकालो पहले, उसने बड़ा तंग किया हुआ मेरे को। नहीं नहीं, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आपके नक्षत्र बहुत ही खराब चल रहे हैं, आपके सारे स्टार्स आप पे भड़के हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारे स्टार्स का कहना है कि उनको अपनी फिल्म में एक एक हीरोइन मिलती है और आपको अपनी पहली फिल्म में 4 हीरोइन के साथ रोमांस करने को मिल गया है। खैर, आप घबराइए मत, देखिए जिंदगी के रास्ते में जब भी रोड़े आए तो समझ जाइए कि आगे सड़क पे काम चल रहा है। दादी! हाँ बिट्टू, क्या हुआ, क्या हुआ मेरा बच्चा? दादी ये कैसे लोग बुला के मेरा इलाज करा रही है? अगर तू बीमार हुई ना, तेरा हथौड़ा मार बाबा से इलाज कराऊंगा, हथौड़े मार मार तेरा इलाज करेगा। हाय हाय, ऐसा क्या इलाज कर दिया तुमने इसका? Ridiculous! मैं तो इनके सांस देखकर इन्हें बता रही थी कि इनकी बीमारी इनकी पीठ में नहीं, इनके दिमाग में है। मुझे इन्हें शॉक देना होगा। शॉक देना होगा? घर में पंखे के लिए बिजली आती नहीं, शॉक कहां से देंगी आप? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको एक सेकंड ऑप्शन दे देती हूँ, आपको एक फोन नंबर देती हूँ, आप डॉक्टर को फोन कीजिए, डॉक्टर को यहाँ बुलाइए और इलाज करवा लीजिए। नंबर दीजिए। 100। ये तो पुलिस का नंबर है। हाँ डॉक्टर अभी जेल में ही है, एक मरीज का जुकाम ठीक करने गए थे, उसकी नाक काट के आ गए। जुकाम और बढ़ गया। तो मतलब कल को किसी को लूज मोशन लगेंगे तो उसका सोफा काट देंगे? दादी मैं तो मजबूर हूँ, तुरंत धक्के मार के बाहर निकाले इनको। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपके पहले के एपिसोड्स देखे हैं, ऐसे मार के भगाना आप लोग गैग के एंड में करते हैं, मैं तो गैग के बिगिनिंग में आ गई हूँ। तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। ओके बाय। वेयर आर यू गोइंग बाय द वे? एक्चुअली मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, तो मुझे कपिल ने कहा था कि वो मुझे बिना पासपोर्ट के स्वीडन छोड़ के आएगा। पता है स्वीडन कहाँ है कपिल? वो जो गोल सा नहीं आता जो ग्लोब, उसमें तो कहीं तो है। एयरपोर्ट 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 के आगे कहीं। धारावी। काइंड ऑफ
आप छोड़ दो ना इसको, आपने जैसे बजरंगी भाईजान में छोटी बच्ची को पाकिस्तान छोड़ा है बिना पासपोर्ट के, इनको भी छोड़ दो। क्यों छोड़ूं ऐसे? जरा छोटी बच्ची को छोड़ते हो बस वहीं पे फुल स्टॉप। इसे क्यों छोड़ूं? इसे तो कभी नहीं छोड़ू मैं। बैठो एली। फिल्म मेरे साथ एली, आते एली, जब एली, ले, 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 ले। Actually, कपिल जी, सलमान सर दुनिया के अलग अलग कंट्री से हीरोइन लेकर बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये तो है, हीरोइंस को उनके कंट्री वापस छोड़ने का काम नहीं करते। ये तो बड़ी अच्छी बात कही, पॉइंट है। Actually, भाई, me and Ellie are doing a film. अच्छा, पिक्चर का नाम क्या है ये तो बता दो। उस कमाल है यार, ये पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं ये और पिक्चर का नाम ही नहीं बता रहे। नहीं, मैं अभी नाम बताता हूँ। इट्स अ वेरी मुझे लगा कि मैं इट्स एन अनटाइटल्ड फिल्म, रिलीज होने के बाद आपको नाम बताएंगे। एक्चुअली फिल्म का नाम है, वो पिक्चर देखी थी जिसका कोई टाइटल नहीं था। फिल्म का नाम मैं इंग्लिश में बताता हूँ भाई, बूम बूम आई लव, किस किस को प्यार करूं। बूम बूम आई लव क्या है? एक्शन फिल्म है। इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ना तो इससे ज्यादा रोमांटिक मुंबई की बारिश है। हाँ, सीरियसली। कभी भी कहीं भी शुरू, कहीं भी कहीं भी, कहीं भी कभी भी शुरू। जी। हमारा एक सीन बाकी है ना, और वो तो इंशाल्लाह रोमांटिक होगा। इंशाल्लाह रोमांटिक होगा अगर भगवान जी की कृपा होगी। तो हम रोमांस जरूर करेंगे। तो डट के रोमांस करेंगे। किस किस को प्यार करूं मैं, कपिल को रोमांस करना आपको कैसा लगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने काफी फिल्मों में रोमांस किया है। वो तो हमें देखा। और शायद इसने जो रोमांस किया है ना, जितना रोमांस मैंने किया है ना, उससे ज्यादा ही किया होगा। नहीं नहीं, इतना नहीं भाई। मेरा रोमांस में होता क्या है? नहीं, पर आपका मेरा रोमांस में, मेरा रोमांस के अंदर सिर्फ आंखों में आंख, यहाँ से इधर शॉट, यहाँ से शॉट, हाई स्पीड शॉट, एक गले लग गया, एक यूं किया, खलास। तो यही तो सीखना है भाई मेरे को, धीरे धीरे करके। हाँ, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरा हाथ पकड़ लिया, खाली वो किया। ये देखो, ये स्वीडन की लड़कियों का मुझे ये अच्छा लगता है। ये देखो, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ रहा है। हाँ, वो तो मतलब मैंने हिम्मत दी। मैं देखा, बोल किसको रही है, हम लोग पंजाबी हैं अली, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं हम लोग। सलमान भाई यहाँ पे हैं, उनसे हर लड़की रोमांस करना चाहती है। एली भी यहाँ पे है। एली, हम तो अपनी फिल्म में कर ही रहे हैं, पर एक बार यहाँ पे हो जाए भाई। ओहो, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे हमेशा से ये मौका चाहिए था एली को रोमांस करने का। कपिल ने, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने मुझे ये मौका दे दिया। कपिल सर, दुपा जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आइए। एली, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। एली जी, मुझ पे एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान नहीं। अच्छा, इनका सही है, बिना गाने के भी सर आप तो ठीक है। अरे भी कैसे है, मेरे को तो किया नहीं फिल्म में। उनके गाल खींच रही हो। एक्चुअली कपिल, मैं सलमान से मिलने आई थी और मिली, सो अभी मेरा बहाना था, धोखेबाज। सॉरी, इट्स ओके, इट हैपेंस। चलो बाय बाय, सी यू बाय। चलो बाय कपिल। अरे हीरोइन है तुम्हारी यार, हद तो कर लो। अरे तू मेरी हीरोइन है किसकी तू? थैंक यू अली, अली के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू अली, वो
ओके सर, लास्ट एक फिटनेस टेस्ट है, एक पुशअप करवाने हैं हमें सर। अगर जो ज्यादा कर गया समझो वो मर गया सर, रिजल्ट आपको बताइए, प्राइस आपको बताइए। वो भाई साहब को और भी जल्दी है। जी सर, जी अक्षय बाजी सिलेक्ट करेंगे, हमारे जज हैं। जी सर स्टार्ट करें, पहले पोजीशन ले लीजिए सर। हाँ पुशअप ही करने, भागना नहीं है। ओके 1 2 3 स्टार्ट। 1 चलिए डॉक्टर साहब, हमारी बुआ आपकी मतलब क्या है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, पर क्या है मेरे दिल में ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है ना वो सबसे ज्यादा फिट है। आप इतने फिट भी हैं, फिर आपके पास पैसा भी इतना है, तो मैं क्या सोचती हूँ आप ना किसी दिन बैंड बाजा लेकर कोई अच्छी सी तरीक निकाल कर मेरे घर आ जाइए। प्लीज मैं इंतजार करूंगी तेरा क्यामत तक, खुदा करे कि क्यामत हो और अक्की आए। ठंड पै गई, हम लोग भी मेहनत कर रहे थे इतनी। नहीं नहीं, एक एक गले लगने तो इनका भी जरूरी बनता है। हेलो जी, अब रिश्ता पक्का हो गया तो मतलब मैं गले नहीं लग सकती। हेलो पाजी, हम लोग तो कंसोलेशन प्राइज में बचे। चलो अभी तुम्हारा हो गया ना, कर लिया नंबर तुमने, कर रही हूं है पक्की बात। हाँ पक्की, आ जाइएगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच स्टेज पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के लिए जोरदार तालियां हो जाए।